तो चलिए बनाते हैं व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसके लिए ना ही हम साबूदाना भिगोएंगे और ना ही हमें पहले से आलूओं को उबालना है। बहुत ही इंस्टेंट झटपट 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं। निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी साबूदाना लिया है, ये 150 ग्राम के लगभग होगा। इसे हमें मिक्सी के जार में डालकर बस इसे ग्राइंड कर लेना है, यानी कि सिंपल सा पाउडर बना लेना है। पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, तो आप पल्स में चलाएं और फिर इसके बाद आप इसको तेज करें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये पाउडर तैयार हो गया है। बहुत बारीक नहीं पिसता है, लेकिन हल्का दरदरा हो जाता है ये। अब यहाँ पर हमने ली है आधी कटोरी मूँगफली, इसे डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे भी हम दरदरा सा कूट लेते हैं। तो ये देखिए एकदम हमने दरदरा सा इसे पीस लिया है। अब साबुदाने के मिक्सर में ही इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर हम उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कच्चे आलू को हमने अच्छी तरह से छील दिया है, मोटे वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, साथ ही इतना क्रंची इतना यम्मी होता है। और इसके लिए हमें पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, तो साबूदाना और आलू को उबालने में ही घंटों का समय लग जाता है। व्रत में हमें ऐसा लगता है कि कुछ झटपट सा मिल जाए जो हम तुरंत बनाएं और तुरंत खा लें। अब यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल देंगे 2 से 3, काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून, सेंधा नमक व्रत वाला नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है, पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ड्राइनेस है, तो 1/2 चम्मच आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप इसमें पानी का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा करें तो आप आलू को ही क्रश करके और डाल दें। ये देखिए इस तरह से बाइंड हो रहा है, तो बिल्कुल 1 छोटी चम्मच के लगभग हमने पानी डाल दिया है इसमें और इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसके बॉल्स बना रहे हैं, आप इसे टिक्की का शेप दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें जो स्टिक होती है ना आइसक्रीम वाली, वो स्टिक लगाकर भी आप इसकी आइसक्रीम जैसे चाप बना सकते हैं। तो ये बॉल्स हमारी तैयार हैं, अब इन्हें हम सेलो फ्राई करेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी तेल में फैलेंगे नहीं। और आप इसे किसी भी व्रत की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। झटपट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट ये व्रत का नाश्ता है। आपको कैसा लगा है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट पे बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन दबा लें और ऑल पर क्लिक करें। यदि आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये देखिए इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने रखा है। अब इन्हें हमें क्या करना है कि हमने 5 मिनट इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था जब तक ये नीचे से क्रिस्प नहीं हो गए। अब इन्हें हम टर्न कर लेंगे, एकदम से डालते हुए ही ना टर्न करें, थोड़ा सा धीरे धीरे हमें टर्न करना है, क्योंकि हमने इसमें आलू भी कच्चे डाले हैं, साबूदाना भी कच्चा डाला है। तो इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें, आप चाहे तो इन्हें कवर भी कर सकते हैं, आप इन्हें अप्पे पैन में भी बना सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से हमें इन्हें क्रिस्प एंड अच्छी तरह से कुक करना है अंदर से। तो आप एकदम से ना सोचें कि हम तेज आँच में इन्हें रख दें और ये जल्दी से कुक हो जाएंगे, ये ऊपर से तो बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें 15 मिनट लग चुका है, अच्छी तरह से ये क्रिस्प एंड गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पर हमने कोई भी मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह से हल्के से लाइट गोल्डन दिख रहे हैं। सभी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे व्रत का बना हुआ बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से ऑल पर क्लिक कर लें नोटिफिकेशन मिलने के लिए।